मित्रों, आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के बारे में फैलाए गए कुछ ऐसे झूठ जिनकी सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहला झूठ जो बहुत ही अश्लील और गंदा है, और यह बहुत ही दुख की बात है कि कई लोग शिवलिंग को एक लिंग का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, आज भी इंटरनेट पर शिवलिंग की कई ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं जिसमें शिवलिंग को योनि और शिश्न से जोड़कर देखा जाता है और उस पर भद्दे कमेंट किए जाते हैं। मित्रों, असल में शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि और अनादि स्वरूप। शिवलिंग का गोल भाग इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर का ना तो कोई अंत है और ना कोई प्रारंभ है। लंबाई वाला भाग निराकार परम पुरुष का प्रतीक है, जिसके कारण उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दूसरा झूठ जो सभी लोग मानते हैं कि भगवान शिव भांग और गांजे का सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका वर्णन शिव पुराण में कहीं नहीं मिलता। सच्चाई तो यह है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विषपान किया था, जिसके कारण उनके गले में तेज पीड़ा होती थी। तब शीतलता पाने के लिए वह कभी कभी भांग का सेवन करते थे। दूसरा झूठ जो कि ज्यादातर लोग पूछते हैं कि शिवजी ने गणेश जी का शीश काटा था तो उन्हें पता ही नहीं था कि वह उनके पुत्र हैं। जब भगवान शिव स्वयं अपने पुत्र को ना पहचान सके तो वह भगवान क्यों कहलाए? मित्रों, सच्चाई तो यह है कि भगवान शिव सब जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो श्री गणेश परम पूज्य कैसे बनते? असल में वह अनजान बनकर गणेश जी की परीक्षा ले रहे थे। चौथा झूठ कि नंदी भगवान शिव की सवारी है, जबकि सच्चाई तो यह है कि नंदी स्वयं भगवान शिव के ही अंश अवतार हैं, और अंश अवतार होने के कारण वह उनके पुत्र समान हुए, इसलिए वह भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त और उनकी सवारी हैं। पांचवा झूठ कि भगवान शिव बाघ को मारकर उसकी खाल धारण करते हैं, जो कि सरासर गलत है। इसके पीछे का सच तो यह है कि भगवान शिव ने नारायण के नरसिम्हा अवतार को शांत कराने के लिए वीरभद्र का अवतार लिया था। तब नारायण ने भगवान वीरभद्र के समझाने पर अपना शरीर त्याग दिया और इच्छा जाहिर की कि भगवान शिव उनकी खाल को अपने शरीर पर धारण करें। तो मित्रों, अब दीजिए हमें इजाजत। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी।